किराया ना देन ते मकान मालिक ने नागालैंड तो आई नौ कुड़िया नू घर विच ही बनाया बंधक। मौके ते पहुंची पुलिस ते ताला खुलवा के छुड़वाया कुड़िया नू। पूरे देश विच कोरोना महामारी दे चलदे करफ्यू लगा दिता गया सी अते लोकां दे मन विच डर दा माहौल पैदा हो गया सी। उदों देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नू राहत देण दी अपील कीती सी, जिस विच उन्हां ने कहा सी कि कोई जिथे भी रह रहा है ओ प्लीज उथे ही रवे अते मकान मालकां नू रिक्वेस्ट कीती गई सी कि ओ अपना किराया ना मंगण। इस तों अलावा सैलरियां भी टाइम ते देण दी अपील कीती सी, पर 60 दिन बीतण तों बाद एक अजीब ही तस्वीर सामने आ रही है। गल कर रहे हैं अमृतसर दी, जिथे मकान मालिक ने अपने मकान विच रह रही नौ नागालैंड दी कुड़िया नू किराया ना देण करके घर विच ही बंधक बना लिया। इस तों अलावा कुड़िया ने एवी आरोप लगाया है कि उन्हां नू चाइनीज कह के बुलाया जा रहा सी। फिलहाल पुलिस ने आके अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। शायद मालकिन को पैसा नहीं दिया होटल वाले ने, इसलिए बंद किया। तो यहां क्या करते थे आप, कौन सा काम करते थे? हम लोग पेन क्यूब में सर्विस कर रहे हैं, एफएमबी में। यहाँ कब से बंद है? यहाँ से आज सुबह से। पहले भी ऐसे हुआ कभी? पहले भी ऐसा हुआ था, वन आज से टू बार, दो टाइम से। तो पैसा क्यों नहीं दिया, कौन किसने देने है पैसे, आपने देने के मालिक ने? पैसे नहीं, वो होटल वाला ने मालकिन को देना है लेकिन नहीं दिया, इसलिए मालकिन ने बंद कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं गेट खोलो हम लोग। हाँ, पैसा मालकिन को पैसा नहीं दे दे, दे, दे उसके बाद हमको गेट खोल के यही जाए, आजाद जाए। हाँ, क्या 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 कहना चाहे? हम लोग को आजाद चाहिए। एक्चुअली नागालैंड से यहाँ काफी जो बच्चे आकर होटल मैनेजमेंट कर यहाँ होटल में उनका अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, तो पता नहीं मेरा नंबर किसी ने कहाँ से ढूंढा, फिर मुझे फोन आया कि हमारे कुछ लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स जो कि फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं। तो एक महीने से सिर्फ मैगी खाकर रह रहे हैं, मैगी नूडल्स। तो मैं मेरी मिसेस और बेटी यहाँ आकर उनसे मिले, फिर देखा कि ये जिस कंडीशन में है यहाँ तो कोई जानवर भी रहने का लायक नहीं है। तो फिर उनको वहाँ ऑफिस से घर से खाना बनाकर हम यहाँ डिलीवर करते थे, पानी भी देते थे। पर लगा कि वो नागा हैं तो अपना उनका खाने का स्टाइल अलग होगा, तो उनको गैस सिलेंडर, पतीले और राशन सब कुछ दिया। और जब भी खत्म हो जाता है फोन कर देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो इससे पहले भी एक बार हुआ कि उन्होंने बताया कि एक बार इसे बाहर ताला लगा दिया था, तो होल डे रात तक उन्होंने ऐसे ही रहे अंदर। तो वो तो पास था, आज 3:30 बजे फोन आया कि अभी बाहर से कोई ताला लगा दिया है और होटल फोन भी किया है, होटल अम्बुलना वहाँ वो काम कर रहे थे तो उनके तरफ से यहाँ रखा है, तो कहा कि आप रेंट दो। तो उन्होंने कहा कि ये तो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने रखा है, उनसे मांगो। तो इन्होंने कहा कि उनको धमकी भी मिली कि ये आप नहीं दोगे, रेंट नहीं आएगा तो हम पानी और बिजली काट देंगे। तो फिर ये घबरा कर फोन किया, तो तुरंत में चौकी साहब, इंचार्ज साहब को भेजा मैसेज, और फिर उन्होंने आप देख सकते हैं कि वो भी आके अभी प्रोसेस चालू है। आशा करता हूँ कि ये जल्दी खत्म होगा। इससे दो बातें हैं, एक तो है कि पंजाब की बदनामी, जबकि हम गर्व करते हैं कि पंजाब में लोग पूछ कर रोटी पानी पूछते हैं, खिलाते हैं, तो जो मेहमान निवाजी है पंजाब की वे उसके खिलाफ है। नंबर टू, ये 9 गर्ल्स हैं, आज कुछ हो जाता है क्योंकि उनके घर के लोगों को ये पता है, उनका फादर भी, एक लड़की का फादर भी मुझे फोन किया था कि मुझे पता है कि आप देखभाल कर रहे हो, कुछ हो जाता है तो मैं और मेरे जो टीम है हम डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए मैं आई एम वेरी मच वरीड कि जल्दी से जल्दी उनका कुछ भी इंतजाम किया जाए और प्रशासन की तरफ से भी इंश्योर किया जाए कि ये 9 गर्ल जो हैं ये सेफ हैं, खाना पीना तो हम दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उनकी सुरक्षा की जो है वो सिक्योरिटी हमें चाहिए। मैं चौंकी विच मौजूद सी, पेदा बिशप साहब जिहड़े हैगे आ उन्हां दे स्टाफ नूं मैनूं इनफॉर्मेशन मिली कि 25-23 कोठी आ जिहदे विच लड़कियां जिहड़ियां बंद आ, ते मैं इत्थे मौके ते पहुंचिया ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਬਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਗਿੰਨੀ ਗਰੋਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
किराया ना मिलने करके उन्हें ताला ला के रखा थी, उन्होंने ताला जरा खुलवा के इन्होंने लड़कियों भार मुक्त कराता जी। तो जिन्होंने ताला लाया से उन्होंने विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी जी? देखो जी, ये तो किराए कुरे का डिस्प्यूट हैगा, तो किराया तो उन्ना बलाले मालिका ने देना वा, ना कि जिहड़ियां लड़कियां हैगियां मासूम उन्होंने थोड़ा किराया देना है। कोई गल नहीं, देख लेने जी, जे उन्होंने कोई उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पई तो कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट।